I'm happy to be here on the occasion of Sneha Sadas and book release written by Thangalji. Always I feel very proud coming to Kerala. At the same time, I feel very jealous. Why? Because I am proud for that Kerala people never allowed any communal forces into Kerala. I am jealous my leader is contesting from Kerala. He feels that Kerala is his family. I have been trying to Rahul Gandhi contest from Telangana. He has refused to contest from Telangana, and he has told me that Kerala is my family. I'm going to contest from. Why not? And I feel very proud. I'm here. I'm inaugurating book. And I'm sharing dash with all these eminent personalities who are fighting against communal forces and who are role model of India Alliance. UDF is role model for India Alliance. Mai seedha kehna chahta hu, IUML is a trustworthy organization. Last 48 years they have been with Congress Party, and itna hum log bharosa kar sakte ki IUML agar saath mein raha to chunav jeet sakta hai. Koi dost apne saath mein raha beshak se kisse bhi hum lad sakta hai, wo Narendra Modi ji bhi ho aur usse bada koi communal force bhi ho. क्योंकि ये बुक रिलीज, कोई किताब रिलीज करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये जो समय इस देश में नफ़रत की बाजार में, मोहब्बत की बाजार में नफ़रत की दुकान खोलने के लिए जो कम्युनल फोर्सेस जो कोशिश कर रहा है, ऐसे ही समय पर स्नेहा सदस लगाना ये अच्छा खिताब, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस अभी देश के लिए जो ज़रूरत है, अब देश में जो चर्चा होना है, ऐसे समय पर ये किताब लिखना, थंगल जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी. बींग एन ए कांग्रेस पार्टी वर्कर, बींग एन ए पीसीसी प्रेसिडेंट ऑफ तेलंगाना, बींग एन ए चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, आई फील वेरी प्राउड. I wanted to support, I wanted to learn something from Kerala to fight against communal forces, to protect our country, our culture, our next generations. क्योंकि आज के तारीख में जो हिंदुस्तान में जो बात हो रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री बार बार अलग अलग तरीका से इस देश को तोड़ने के लिए बात कह रहा है, वो ठीक नहीं है. क्योंकि प्रधानमंत्री समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल पोजिशंस, ही हैज़ टू मेंटेन, ही हैज़ टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट. इस देश में जो धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज्म और जैनिज्म, कोई भी हो, सबका सोच एक ही है, सब लोग मिलजुल के रहना है, देश को तरक्की करना है, देश को आगे लेकर जाना है. मगर जो जनता से चुनकर आए हुए प्रधानमंत्री किसी मजहब के, किसी लोगों के, किसी जनता के खिलाफ कहना, वो कुर्सी के लिए कोई शोभा नहीं है, इस देश के लिए भी कोई अच्छा नहीं है. क्योंकि जब कुर्सी में बैठने से पहले आप कुछ कहा, वो बात अलग है, आपके पार्टी का आइडियालॉजी होगा,
आपको जब जिम्मेदारी नहीं है तो गैर जिम्मेदारी से कुछ कह सकता है, मगर जिम्मेदारी उठाने के बाद 10 साल वो कुर्सी में बैठने के बाद इस देश में कुछ जनता के खिलाफ कुछ कहना इस देश के लिए अच्छा नहीं है। मगर इतना कोशिश किए ये कम्युनल फोर्सेस केरला में घुसने के लिए, मगर एक इंच भी जगह नहीं दिए केरला। केरला आज के तारीख में हिंदुस्तान के रोल मॉडल है, क्योंकि आपके आपस में कुछ भी हो अंडरस्टैंडिंग में, अगर चुनाव में अलग अलग आपके सोच होगा, मगर यहाँ पर तो आप लोग किसी कम्युनल फोर्सेस को एंट्री नहीं दिए। इस बार भी वाई बिकॉज आई हैव बीन व्हाइल कैंपेन वाज गोइंग ऑन आई वाज हियर टू मीट केरला पीपल एंड वायनाड, आई वांटेड टू सी वायनाड वोटर्स, सो दैट इज हाउ आई हैव कम टू वायनाड केरला। That time I spoke to most of the youngsters and political representatives. They are very keen in protecting our society. They are feeling that that is their responsibility. So India has to learn the system which is intact in Kerala to protect our society.